सत श्रीकाल जी, सारे दर्शकों का निघा स्वागत जी आया नूं जिहड़े साडे प्रोग्राम नूं देख रहे ने। मैं तुहाडा दोस्त कुलदीप इक्कर फिर तो हाज़र हाँ। सो अज जिहड़े एक्सपर्ट मेरे नाल ने उन्हें साई ओवरसीज़ तो बलजिंदर सहगल जी। सो गलबात करांगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे, जाणांगे की अपडेट्स ने, की सिनैरियो है, जां की जिहड़ियां नवीं चीज़ां जिहड़ियां आईआं ने, जां किवें अज तुसीं जिहड़ा अपना विदेश पढ़न दा जिहड़ा सुपना है वह पूरा कर सकते हो। पहला स्वागत कर लीए सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। प्रोग्राम देख रहे सारे व्यूअर्स नूं मेरे वल्लों ते समुची साई ओवरसीज़ की टीम वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। आई होप कि तुसीं सारे चढ़दी कला च होवोगे जी। सो जिवें कि आपां अज देख रहे हां काफ़ी सारे कंट्रीज़ ओपन हो चुकी हैं। ओपन का मतलब भी पहला जिहड़ी वीज़ा की पॉलिसी सी थोड़ी चेंज कर दिती गई सी कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे सी जां नवें वीज़ा अप्लाई नहीं किए जा रहे सीगे, जां जिहड़ा बच्चा सीगा वह फ्लाई नहीं सी कर सकता। तो तकरीबन हर एक कंट्री वालों इंटीमेशन आ गई ने। ऑस्ट्रेलिया का जेकर मैं जिक्र करा तो जनवरी फरवरी के काफ़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने प्लान दस दिते ने कि बच्चा किमें आएगा, किमें उत्थे जिहड़े एहतियात रखे जाएंगे, चाहे वह कोविड नूं लैके ने जां क्लासेस किमें लगनगियां। सो मैं लगता बड़ी जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया भी बच्चा जा सकता। सो मैं ऑस्ट्रेलिया तो ही शुरू कराँगा, किहड़े बच्चे नूं तुसीं अज सही समां मानदे हो किहड़े बच्चे दे लई वी उह अज ऑस्ट्रेलिया का जेकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो किते ना किते उह फायदे दे विच रहणगे। डेफिनेटली कुलदीप जी, अगर मैं गल करा लॉकडाउन तो बाद मैं कोई रिफ्यूजल किसी भी कंपनी की नहीं देखी, और खास करके जिहड़े बच्चे ने डिग्री दे विच अप्लाई किया होगा, डिग्री दे विच 100% ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम डिप्लोमे दे विच अप्लाई करोगे तो मैं क्लीयर तुम दसागा कि 80-90% सक्सैस रेट है। लेकिन अगर तुम डिग्री अप्लाई करोगे, मैं अपनी कंपनी की नहीं, मैं सारे कंसलेंट्स की गल करा कि किसी का भी डिग्री के वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि डिग्री के अप्लाई करने वास्ते 6 बैंड नो लैस दैन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। प्लस जो बच्चे के कोर सबजैक्ट के जो कि 60% मार्क्स ने उ बच्चा अप्लाई कर सकता है। साई ओवरसीज़ तो अप्लाई करने का बेनीफिट कि साढ़े को उस यूनिवर्सिटीज टाई अपने जिते कि तुम 1 डे ओल्ड सिर्फ एक दिन पुराने फंड दिखा के अपने नियर अबाउट 18-20 लाख एक दिन पुराने फंड दिखा के तुम अपनी COE रिलीज़ करवा सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना जिहड़ा कि आज की डेट हर एक कंपनी प्रमोट कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो मैं एक वीक के भी दिखाना चाहवागा जिहड़े कि साई ओवरसीज़ के 6 वीज़ा जिहड़े अप्रूव होए ने, एक दिन के भी जिहड़े वीज़े आए हैं, 6 वीज़ा एक हफ्ते के सॉरी जिहड़े कि 6 वीज़ा साई ओवरसीज़ के ऑस्ट्रेलिया के जिहड़े अप्रूव होए हैं। सो यही रीज़न है कि मैं कह रहा सिर्फ मेरी कंपनी के नहीं, पूरे पंजाब के विच इस टाइम सक्सैस रेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा चल रहा। अगर जिमें कि मैं UK की गल करा, थोड़ी इंटरव्यूज़ आ रही ने, बच्चे ने है कि इंटरव्यूज़ तो बाद वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विच कोई इंटरव्यू नहीं आ रही, और सक्सैस रेट आज की डेट अगर मैं गल करा तो 100% है जी। सो कई बार किसी चीज़ का एक सही समा हुंदा, उस सही समय पर लिया सही फैसला। सॉरी कुलदीप जी, तुम इंटरप्ट कर रहे हैं, वेरी सॉरी। मेरे को लास्ट 3-4 डेज पहले गल है कि मेरे को एक क्लाइंट आया स्पाउस केस अप्लाई करने वास्ते, जो कि मेरे फ्रेंड दे को नॉन सी। सो मैं उन्होंने एडवाइस किया, मैं कहा सर मैंने याद है कि मैं 2019 दिवाली के नियर मैं एक शो किया जिदे च मैं कह रहा सी अज तुहाडे कोल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है UK च अप्लाई करन दा। मैं कहा तुसी वो मेरे शो नहीं देखे? कहिंदा सर असीं बहुत बिजी रहे, असीं TV बहुत घट देखते हैं। मैं कहा तुसी मतलब इन्ना वीज़ा तुसी चलो TV नहीं देखिया, तुसी अपने मैं कहांगा सोशल साइट्स तां हर कोई परसन एक्टिव है, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब तो हर पर्सन देखता है। कहिंदा सर सी लेकिन देखा उदो माइंड च सी कि चलो यार अज अप्लाई करते हैं, अज अप्लाई करते हैं, करते करते कहिंदा सर बहुत टाइम निकल गया। मैं तुहाडी गल तो मैनूं गल याद आ गई कि तुसीं कहा कि राइट टाइम हुंदा है। सो मैं इस चीज़ को 100% एग्री हाँ, साड़ी इंडस्ट्री के होर मैं नहीं पता, लेकिन साड़ी इंडस्ट्री के गल बिल्कुल सूट करती है कि एक राइट टाइम हों जो पता होंगे कि अज अंबैसी थोड़ी लीनियट है जी। और वह टाइम हों जे बच्चों का गैप बहुत ज़्यादा हों, 8-8, 10-10 साल के गैप, मैं गल करा कि स्पाउस जे कि 2-2 बच्चे नाल जा सकते सी। अज अगर स्पाउस ने अप्लाई करना तो स्पाउस वीज़ा लगना थोड़ा मुश्किल हो रहा, लेकिन उदो बच्चों के नाल वीज़ा लगना बहुत ईजी सी, और 100% वीज़ा आ रहा है, और हर एक कंपनी पैकेज प्रमोट कर रही थी। आज तुम देखो कोई भी UK पैकेज तो छोड़ो, मैं कह रहा कि UK प्रमोट ही नहीं कर रहा। सो राइट टाइम हों हर एक कंट्री का अप्लाई करन दा। मैं नहीं कह रहा UK के वीज़ा नहीं आ रहे, UK के वीज़ा भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ आ रही हैं। सो तुहाडे तो पहले ही मैं एक वीज़ा बलराम का वीज़ा ओपन किया सी, जिहड़ा कि UK का वीज़ा आया विदाउट इंटरव्यू वीज़ा आया। सो वीज़ा विद इंटरव्यू आ रहे, विदाउट इंटरव्यू भी UK के आ रहे, लेकिन अज राइट टाइम मैं कहांगा UK के नाल नाल ऑस्ट्रेलिया का, जिहड़े बच्चों के IELTS भी 6 बैंड नो लैस दैन 5.5 बैंड है, कोर सब्जैक्ट के जिहड़े बच्चों के 60% मार्क्स है, यह ना कहना कि मैं वेट करांगा, मैं सोचांगा, मैं फिर अप्लाई करांगा। जितों के रहने वाले हो, जिहड़े कंसलटेंट से तुहानू लगता है कि वाकई बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे, तुहानू राइट कोर्स से भी तुहाडा केस अप्लाई कर रहा, तुहाडे कोल पहले कोई पैसा नहीं लै रहा,
और वीजे की गरंटी दे रहा उस कंपनी को जाके अपलाई कर लो जी। जो बच्चों के ओवरऑल 5.5 बैंड ने वो बच्चे भी आस्ट्रेलिया अपलाई कर सकते हैं। डेफिनेटली कुलदीप जी 5.5 बैंड नो लैस दैन 5.5 बैंड नो लैस दैन 5 बैंड के नाल भी तुसी अपलाई कर सकते हो अगर तुहाडी क्वालिफिकेशन 10+2 है। मैं एक गल चीज़ होर नाल एड ऑन कर देवा कि 1920 पास आउट 2019-2020 अगर आस्ट्रेलिया जाना 2019-2020 की मैं 100% की गल कर रहा कल ये ना हो कि गैप के नाल तुसी किसी कंपनी को अपलाई किया हो प्रोग्राम देख रहे हो तुहाडी रिफ्यूजल हो तुसी कहो जी मेरा तो वीज़ा नहीं आया जी। 2019-20 6.5 बैंड ते डिग्री दे विच अप्लाई करोगे 100% वीज़ा आएगा। 5.5 बैंड नो लैस दैन 5 बैंड दे नाल डिप्लोमे दे विच अप्लाई करोगे 80% सक्सैस रेट है। लेकिन ये भी बहुत डिपेंड करता है तुसी रीजनल एरिए अप्लाई कर रहे हो कितने कर रहे हो। अगर तुसी सिडनी मेलबोर्न जाना स्टडी कंप्लीट करने तो बाद 2 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अगर यही तुसी एडिलेड पर्थ ही जाओगे तो तुहानू तो अपनी स्टडी कंप्लीट करने तो बाद 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। सो डेनमार्क जाओगे तुहानू स्टडी कंप्लीट करने तो बाद 4 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। सो रीजनल एरिया दे विच अप्लाई करन दा बहुत बेनीफिट है। इना बच्चा सोचे क्योंकि मैक्सिमम अगर मैं आस्ट्रेलिया की गल करा तो हर एक दिन दिमाग च आता सिडनी ते मेलबर्न बस कि अगर आस्ट्रेलिया का मतलब सिडनी मेलबर्न अगर यूके अप्लाई करना तो लंडन। सो असी थोड़े हट के अप्लाई करांगे तो जॉब दी ऑप्शंस भी बहुत और वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा आ रहा है जी। सो काफ़ी जोड़ा फायदा बच्चे नूं रहिंदा जो एक चंगा कंसल्टेंट क्वालिफाइड या एक एक्सपीरियंस वाला जोड़ा कंसल्टेंट जो तुहानू दसदा है। सो साई ओवरसीज़ तो बजिंदर सहगल जी मेरे नाल ने जिवें दस्सिया भी काफ़ी रीजनल एरियाज ने काफ़ी इस तरह की ऑप्शनस बच्चों नूं मिलदियां ने जो आप थोड़ा जहा एक भीड़ तो हट के कितने अप्लाई करते हैं। सो कोशिश करा करो ये चीज़ा डिटेल के पुछा करो नंबर इसे लिए दिखाए जाते हैं कि फोन करके गलबात करके विजिट करके तुम जानकारी ले सको। सो आस्ट्रेलिया की जिम्मे आप गल कर रहे कि नैक्सट इनटेक जिद बच्चा हूँ अप्लाई करेगा तो कदों तक वो जी आखिरी तरीक रहेगी। डेफिनेटली कुलदीप जी हूँ फैब इनटेक क्लोज हो चुका है क्योंकि हूँ टाइम नहीं है कि मैं कह कि फैबरी इनटेक अपलाई कर सकते हो। इस तो बाद अगर मैं गल करा कि जून इनटेक है सो जून इनटेक के भी अपलाई कर सकते हो। इन्हें सोचना बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि बहुत जल्दी जो बच्चों के वीज़ा अपरूव हुए हैं तुम बहुत जल्दी अपलाई कर सकते हो और नाल दे नाल जदों वीज़ा स्टार्ट हो गए जिवें कि हुण काफ़ी कंसल्टेंट्स ने प्रमोट करना शुरू कर दिता है वही सेम सिनेरियो होएगा जो यूके जी। दो अनटेक बहुत अच्छा निकले 2020 सितंबर स्टार्टिंग दे वीज़ा बहुत अच्छे आए लास्ट जाके कुछ बच्चों की इंटरव्यू जरूर आई हैं और आज आस्ट्रेलिया दे वीज़ा 100% आ रहे हैं। जिन्नी जल्दी हो सकोगे तुसी अप्लाई करो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली गल है। ये ना हो कि तुसी बहुत वेट करते रहो या पहले सोचो कि मेरे फलाने फ्रेंड का वीज़ा लग्या उहदा पहले वीज़ा अप्रूव हो जाए दैन मैं अप्लाई करांगा। सो साइंग ओवरसीज़ को आओगे साइंग ओवरसीज़ बहुत टाइम तो यूके नूं और खास करके आस्ट्रेलिया नूं ये कंट्रीज़ नूं प्रमोट करती आ रही है और हमेशा कहिंदे आ रही है कि साडी कंपनी पहले कोई पैसा नहीं वीज़ा लगन तो बाद पेमेंट। जे इदा की कंपनी सानू ऑप्शन दे रही है तो मैं नहीं लगता कि तुहानू ये चीज़ की जरूरत है कि पहले तुसी ये सोचो कि मेरा किसी फ्रेंड का किसी नॉन पर्सन का वीज़ा लगेगा दैन मैं अप्लाई करांगा क्योंकि जो तुसी कोई पहले पेमेंट देनी फिर तुहानू कोई डर नहीं तुहाडी यूनिवर्सिटी की फीस जिहड़ी कि साडी कंपनी पे करेगी तुसी वीज़ा लगन तो बाद पे करनी है जी। अच्छा एक चीज़ ना होर होगी हुण काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं बहुत सारे चैनल्स ने फेसबुक उत्ते बहुत सारे कंसल्टेंट दसते हैं कोई पैकेज नूं चंगा दसदा कोई माड़ा दसदा कोई कह दिंदा भी 20-25 लाख रुपए का पैकेज किया जाएगा कोई कहिंदा भी घट फीस दे विच तुसी आस्ट्रेलिया जाओ। सो ये सारी चीज़ों के बच्चा किवें देखे भी हाँ मैनू किवें फायदा पैकेज करके फायदा या घट फीस दे विच भी जाया जा सकता है जां उत्थे सिर्फ एक बुलाने लई एक ऐड की जा रही है भी घट फीस दे विच जाओ। मेरी गल में फॉलो करना आज हर एक बच्चा जिहड़ा कि बहुत स्मार्ट है उन्हें पता है अगर मैं आज जो टीवी दे प्रोग्राम देख रहा आज क्लाइंट की कुलदीप जी रियलिटी दसना मैंने तुसे कि आज यूके की क्लाइंट ओनी है जिन्नी कि 6 मंथ पहले से नहीं है। उसका रीज़न की है कि जो सारे कंसलेंट्स आके एक कंट्री नूं प्रमोट करते हैं और कहते कि सारी पेमेंट वीज़ा लगन तो बाद ते बच्चे नूं भी पता लगता कि इस कंट्री दे वीज़ा 100% आ रहे हैं क्योंकि मेरा भी बिजनेस है और बच्चा भी घर बैठा इन्ना स्मार्ट इन्ना एक्टिव हैगा उन्हें भी पता लगता पाया है कि जे कोई ये आके कह रहा है कि तुसी पैकेज दे विच एनरोल ना होवो तुसी पेमेंट पहले क्यों दे रहे हो तो उन्हें भी पता कि हुण जिहड़ी टाइम है ना ये राइट टाइम नहीं है इस कंट्री वास्ते क्योंकि हुण 50-50 की रेशो है मतलब कि वीज़ा आ भी सकता तो रिफ्यूज़ भी हो सकता है। जिते 100% की गरंटी होगी उतें ही असी पैकेज नूं प्रमोट करांगे। मैं तो नहीं बच्चों कह रहा कि असी सिर्फ पैकेज डील कर रहे हैं तुसी नॉर्मल प्रोसैस भी करवाना साइन ओवरसीज़ तो नॉर्मल प्रोसैस करवाओ सिर्फ मैं एक तुहानूं वक्री फैसिलिटीज़ दे रहा
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਲਿਆ ਛਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਏ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਐਨਐਚਐਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਖਰਚਾ ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ 20 ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਬਨਾਮੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 10-10 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੱਕ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ 25-25 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਨ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ 320 ਲੱਗੀ ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈ 3 ਈਅਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਈਅਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ ਉਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੋੜੋ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ $5000 ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਪੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਰਿਐਲੇਟਿਵ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਂ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ 2019 ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਸਪਟੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਅੰਡੇਕ ਯੂਕੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ 3 ਅੰਡੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈਲੇਂਜ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀ
यूक्रेन तो कुछ बच्चों के जिहड़े फीडबैक आई जिस करके अज बच्चे यूक्रेन नूं लैके भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सो किहड़ा इनटेक जेकर आपां इक स्टार्टिंग जिहड़े बच्चे नूं बिल्कुल नहीं पता भी यूक्रेन किदां दी कंट्री है, किवें पढ़न जा सकदा जां कौन पढ़न जा सकदा, सो शुरुआत तो आपां किवें उहनां नूं दस्सांगे? बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग तो क्वेश्चनिंग करदा कुलदीप जी, इहदे विच जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इनटेक है, उस तो बाद बच्चा जिहड़ा अपलाई कर सकदा उस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनटेक दे विच अपलाई कर सकदा। सो इनटेक हजे बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुसी कहो कि मेरे को टाइम मिस हो गया, तुसी फेब इनटेक विच भी अपलाई कर सकते हो, मार्च इनटेक विच भी अपलाई कर सकते हो। 50% मार्क्स 12th दे विच जिहदे के बच्चे दे 50% मार्क्स है वो विदाउट आयल्स तुसी अपलाई कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इंटरव्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिवें कि बाकी कंट्रीज थोड़ी इंटरव्यूज का बच्चे नूं थोड़ी हैजिटेशन हुंदी है, घबराहट हुंदी है, कोई इंटरव्यू का खास डर नहीं है, बहुत ईजी इंटरव्यू है, वो भी यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लैनी है, कोई ऐसा नहीं है कि अंबैसी वालों कोई इंटरव्यू है। 100% तुहानूं वीज़े की गरंटी है, ये भी यूक्रेन भी असं तुहाडे कोल कोई पेमेंट पहले नहीं लवेंगे, सारे पैसे मतलब सारी पेमेंट तुसी वीज़ा लगन तो बाद पे करनी है। गैप भी कुलदीप जी क्लीयर कर देवां बच्चों, 8 to 10 years का गैप जो बच्चे का एक्सेप्टेबल है। स्पाउस अप्लाई करना चाह रहे हो इंडिविजुअल तुसी स्टडी वीज़े से जा सकते हो, डिपेंडेंट वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा, जिवें तुसी दस्या भी स्पाउस दोनों जेकर पढ़न जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो जो सेम यूनिवर्सिटीज़ के विच जा रहे हैं तो कोई वेव ऑफ मिलता है फिर उन्होंने? डेफिनेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुसी पुट कीता कुलदीप जी, क्योंकि ये चीज़ तुसी आई थिंक तुहानू याद होगा मैं साइप्रस से भी बच्चों को बहुत ऑप्शन दी थी कि अगर हसबेंड वाइफ ने साइप्रस से अप्लाई करना है, दोनों पर स्टडी वीजे से जा रहे हैं, चाहे वो सिंगापुर जा रहे हैं, तो असी यूनिवर्सिटी साइड तो बच्चे को स्कॉलरशिप डिस्काउंट लैके दे रहे थे फीस के, सेम ये भी यूक्रेन कंट्री भी अगर हसबेंड वाइफ ने अप्लाई करना तो उसी साई ओवरसीज थ्रू अप्लाई करोगे, असं तुम्हें कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं जितने कि वीज़ा 100% है। और बच्चे को बेनीफिट की है कि स्टडी कंप्लीट करने तो बाद किसी भी यूरोपियन कंट्री चाहे शेंगन कंट्री, तुम्हें जर्मनी इटली हॉलैंड पोलैंड किसी कंट्री जाना है, उतों माइग्रेट होना बहुत ज़्यादा ईजी है और मैं कहने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जेडे बच्चों ने यूक्रेन नाम सुन लिता, पूरे यूरोप की सैकेंड सब तो लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी की पॉपुलेशन एयरबोर्ड 4 crore 20 lakh के करीब है, और बहुत खूबसूरत कंट्री है। तुसी मेरे ते नहीं, तुसी खुद गूगल ते जाके यूट्यूब ते जाके खुद सर्च करो यूक्रेन का, उत्थे बच्चों दी खुद बाइट्स देखो, जिहड़े बच्चे उत्थे MBBS कर रहे हैं, जिहड़े उत्थे उत्थे बच्चे को डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं या लैंग्वेज कोर्स से गए हुए हैं, खुद उन्हां दा फीडबैक लो, खुद देखो बच्चों ने वो अपने उत्थे यूट्यूब पर पाया हुआ है कि पार्ट टाइम जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है और कंट्री बहुत अच्छी है जी। सो यूक्रेन जिहड़े भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, हुण जिहड़े इनटेक्स ने शुरू होने वाले ने, सो गलबात करने के लिए नंबर दिखाया जा रहा, उस नंबर पर फोन करके गलबात की जा सकती। सो सक्सैस रेट किदा रहा, भी कई बार हो सकता भी रिफ्यूजल भी बच्चे की आए या किमें रहेगा सारा? नहीं कुलदीप जी, एट प्रेजेंट की है कि जो भी कोई कंट्री स्टार्ट होंगी है ना, हमेशा वो 100% वीज़ा देती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर चाहे मैं गल करा ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो 2005 के भी स्टार्ट होया, बहुत साल उन्होंने बहुत ईजी वीज़ा दिता, उस बाद अगर हूँ यूके की 2010, 2011, 2012 के वीज़ा बहुत अच्छे आए, फिर 2019, 2020 के वीज़ा यूके के बहुत अच्छे आए, हूँ थोड़ी इंटरव्यूज आ रही ने, सेम एज लाइक जिदा हूँ यूक्रेन स्टार्ट होया, यूक्रेन विदाउट इंटरव्यू, अंबैसी वालों कोई इंटरव्यू नहीं है और 100% सक्सैस रेट है। जिदा जिदा मैं कहाँगा इनटेक निकलते जाएंगे, ज़्यादा कंसलेंट्स इनू प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे, तो हौली हौली स्टैप बाय स्टैप फिर वो कंट्री थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। सो अज बच्चों को ऑप्शन है नियर अबाउट्स 1 year तक, तो जो मेरी इंट्यूशन है 1 year तक तो यूक्रेन बहुत अच्छा जाएगा, कोई इंटरव्यूज नहीं आनी है, कोई रिफ्यूजल्स नहीं आनी है, 100% बच्चों को वीज़ा मिलेगा। सिर्फ जेडे बच्चों का 10 साल तक गैप है, 10+2 क्वालिफिकेशन है, जेडे बच्चे देख रहे हैं कि असं इंडिया के रह के अज अच्छे, क्योंकि देखो तुसी भी मेरी गल ना डेफिनेटली एग्री रहोगे कि यार लॉकडाउन दे डूइंग बहुत ज़्यादा बिजनेस लोगों के बंद हो गए, एक अच्छे अच्छे बिजनेस चलते लोगों के वो बंद हो गए, जॉब्स बच्चों दी चले गई, परसन दी जॉब्स चले गई लोगों दी, तो वो स्टूडेंट्स वास्ते चाहे तुहाडी एज 25-30 years तक तुहाडी एज है, तुहाडी स्टडी दे विच 8 to 10 साल तक गैप है, तद भी तुसी अपना यूक्रेन का 100% वीज़ा लै सकते हो, उत्थे जाके खुद तुसी सर्च करो। देखो मेरे कहते तो मैं कह दाँगा जरूर तुम हर मंथ उत्ते 40 to 50 thousand तुम अर्न कर लोगे, लेकिन यूट्यूब पर जो बच्चों ने उत्थे बाइट्स पाई हुई ना, डिस्प्ले अपने इंफॉर्मेशन अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो, जो तुम वो सुनोगे ना वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके क्लीयर होएगा, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि वाकई मेरे लिए कंट्री बहुत अच्छी है जी। सो गैप वाले स्टूडेंट की जिवें आप गल कर ही रहे, तो जी एक होर ऑप्शन उन्होंने को सिंगापुर की होंगी, हाँ जी काफ़ी सालों तो प्रमोट कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे भेजे से पिछले कुछ समय तो सिंगापुर प्रमोट
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆ COVID-19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਈਵਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-star, 7-star ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 14 days ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 5-star to 7-star ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ $2200 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 225,000 ਰੁਪਈਆ। ਲੇਕਿਨ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 4500 ਫੀਸ, ਸਿਰਫ 4500 ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ$2200 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੈਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ UK ਜਾਣਾ ਤਾਂ 70% ਮਾਰਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੇ ਦੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਗੈਪ ਬੱਚੇ ਦਾ 2018-19-20 ਪਾਸ ਆਊਟ, ਬਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ UK ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਹੋਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਅੱਗੋ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਓਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈ ਅਪਸ ਕੀਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਰਨ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15-20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 40,000 to 50,000 ਪਰ ਮੰਥ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 hours ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, PR ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, UK ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਕਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ UK ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ UK ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।